देवताओं के सम्मान में बनाए गए अजूबे प्राचीन इजिप्ट की असली पहचान है और ओबेलिस्क भी इन्हीं में से एक है। ये स्तंभ इजिप्ट के अब तक के निर्माण में सबसे ऊंचा निर्माण है। ये राजा के इंजीनियर्स द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। सिंगल पिन ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया ये ओबेलिस्क लगभग 30 मीटर ऊंचा और वजन में लगभग 450 टन है। ये फैरो की बेमिसाल शक्ति का प्रतीक है। 335 ईस्वी में रोमन्स ने इन्हें इजिप्ट से ले जाने की शुरुआत की और फिर इन्हें दुनिया भर में ले जाया गया। आज इजिप्ट से ज्यादा इन्हें न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस और इस्तांबुल में देखा जा सकता है। ये आज तक बने इजिप्ट के सबसे बड़े मंदिरों में से एक कोणार्क मंदिर। इसके सुंदर गेटवे इसके पवित्र स्थान को लोगों की नजरों से दूर रखते हैं और इसका बड़ा हॉल इजिप्ट के मुख्य देवता को समर्पित है और इसके बीच में खड़े ओबेलिस्क मंदिर की इनर सेंचुरी को गार्ड कर रहे हैं और इनका ऊपरी हिस्सा सोने से ढका होता था। आज भी आर्कियोलॉजिस्ट इन ओबेलिस्क को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि हार्ड ग्रेनाइट स्टोन को उस टाइम में मौजूद टूल्स से नहीं काटा जा सकता था। उस टाइम के इंजीनियर ने इन्हें कैसे काटा होगा? इस सवाल का जवाब एक इंजीनियर एंटो गैरिक ने ढूंढा। जब ओबेलिस्क को बनाया गया उस टाइम में इजिप्शियन को लोहा पिघलाना नहीं आता था और वो पूरी तरह ब्रॉन्ज और कॉपर के टूल्स पर डिपेंडेंट थे। ये दोनों टूल सैमस्टोन और लाइमस्टोन को आसानी से काट सकते थे लेकिन ठोस ग्रेनाइट पर ये काम नहीं कर सकते थे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कॉपर के टूल का ग्रेनाइट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये बस छेनी को बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं। एंटोन को लगता है मेटल टूल की जगह उन्होंने ग्रेनाइट से भी हार्ड स्टोन डोलोराइट की हेल्प ली होगी, लेकिन क्या डोलोराइट काम करेगा? इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एंटोन ने एक ग्रेनाइट ब्लॉक पर इसका टेस्ट किया और ऐसा करने से ग्रेनाइट धीरे धीरे टूटने लगा और पाउडर बनकर उड़ने लगा। लेकिन ये बहुत मेहनत भरा काम है, लेकिन इसके अलावा उस वक्त इसे करने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता था। अगर ऐसे इस तरीके से ओबेलिस्क बनाए गए होंगे तो उस टाइम मजदूरों को एक ओबेलिस्क बनाने में कई महीनों का समय लगता होगा और मजदूरों की एक पूरी फौज लगती होगी। अब बात आती है इन ओबेलिस्क को बिना किसी क्रेन या लिफ्टिंग मशीन के 160 किलोमीटर दूर इसे कोणार्क मंदिर में कैसे लगाया गया और फिर इसे कैसे खड़ा किया गया। इतिहासकारों का मानना है कि सबसे पहले तो इजिप्शियन ने खुदाई करके नहरें बनाई होंगी जिसमें नील नदी का पानी ओबेलिस्क की तरफ बहता होगा। फिर ओबेलिस्क को पानी के ऊपर रखा जाता होगा। फिर कई टन पत्थरों से भरी नाव को उनके नीचे लगाया जाता होगा ताकि जब इसे खाली किया जाए तो ये ओबेलिस्क को उठाकर कोणार्क तक ले जाए। फिर कोणार्क में इस रैंप से ऊपर पहुंचाकर कई सौ मजदूर जमीन को इस तरह खोदते होंगे कि ये तिरछा होकर खड़ा हो जाता होगा और आखिर में वो ओबेलिस्क को एक सॉलिड बेस पर खड़ा करके रस्सी की हेल्प से अपनी फाइनल पोजीशन पर रखते होंगे। इस थ्योरी को सच साबित करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट एडल गलानी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि इजिप्शियन ने इन्हें कैसे खड़ा किया होगा। एडल और उनकी टीम ने ईंटों का एक रूम और एक लंबा रैंप बनाया। उनका प्लान था वो ओबेलिस्क को रूम के ऊपर पहुंचाएं, फिर रूम को रेत से भरें और फिर धीरे धीरे रेत को निकालकर ओबेलिस्क को तिरछा खड़ा करें और फिर ओबेलिस्क को अपनी सही जगह पर ले आएं। सबसे पहले इस 3 टन के ओबेलिस्क को रैंप के ऊपर चढ़ाना था। इस काम को करने के लिए 30 लोगों को शामिल किया गया। एडल ने पहले इसे जमीन पर टेस्ट किया लेकिन उसमें एक दिक्कत हुई। टीम को इसे सही पोजीशन पर रखने में दिक्कत आ रही थी। टीम इसे जमीन पर मूव कर पा रही थी लेकिन बात तो रैंप की थी। बस यही एक तरीका है ओबेलिस्क को इनकी सही पोजीशन पर रखने का, इसके अलावा ये इम्पॉसिबल है। एडल ने रूम को रेत से भरा और फिर ओबेलिस्क को उठाने का काम किया जाता है। वर्कर्स ने रूम की कुछ दीवारों से ईंटों को निकाला जिससे वो रेत को निकाल सके। इससे ओबेलिस्क का बेस नीचे की तरफ तब तक जाता रहेगा जब तक वो लगभग खड़ा नहीं हो जाता। इसके बाद टीम ने उसे वर्टिकली ऊपर खींचकर सीधा कर लिया। एडल ने काफी समझदारी से रेत को निकाला जिससे कि ओबेलिस्क अपनी सही जगह पर ही पहुंचे। इसमें एक साथ दोनों जगह से बैलेंस बनाकर रेत को निकालना बहुत मुश्किल काम है। अगर एक तरफ से ज्यादा रेत निकाली गई तो इससे इसकी पोजीशन बिगड़ सकती है और फिर ओबेलिस्क को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट में 3 घंटे में ओबेलिस्क सिर्फ 1 फुट ही मूव हो सका। बस एडल मानते हैं कोणार्क में लगभग 29 मीटर ऊंचे ओबेलिस्क का सीधा खड़ा करने के लिए कम से कम ईंटों का 30 मीटर ऊंचा कमरा बनाया गया होगा और रेत निकालने में कम से कम 1 महीने से ज्यादा का समय लगा होगा। अब एडल की टीम को इसे ऊपर उठाना था। काफी कोशिशों के बाद ओबेलिस्क अपने बेस पर सेटल हो गया। एडल और उनकी टीम ने दिखाया कि ये थ्योरी बिल्कुल सही है और अब हमें पता चल चुका है कि इजिप्शियन ओबेलिस्क को कैसा खड़ा करते थे। तो अब आपको पता चल गया है इतने बड़े और भारी भरकम खम्भों को कैसे खड़ा किया जाता होगा। तो दोस्तों ऐसी ही मिस्ट्री से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करें।